तो भाई कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नीडी साथ वापस। और भाई देखो इस वाले मैच में करने वाले हैं प्रेसिडेंट चैलेंज। तो इसमें मिस्टर साहब स्क्वाड है जो कि प्रेसिडेंट का रोल ले रहा है और बाकी बीटी गेमर है जो कि मेरे साथ डेली की तरह वैसे ही खेलेगा। फिलहाल जैसे हम लोग यहाँ पर नॉक वगैरह हो जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में होंगे तभी जो है प्रेसिडेंट हमको यहाँ पर बचाएगा, वरना हमें ही उसकी जान बचानी होगी। वो एक भी गोली कहीं भी नहीं चलाएगा। अब फिलहाल मुझे यहाँ पर एक बंदा स्पॉट होता है। अब बेशक मेरे पास यहाँ पर एस की स्थित, लेकिन फिर भी जो है मैं प्रेसिडेंट को बता के यहाँ पर निकल लेता हूँ कि भाई अगर हमें कुछ होता है तो प्रेसिडेंट आप पीछे से आ जाना। अब जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ तो मतलब एक बंदा यहाँ पर कैम्प कर रहा होता है। और इस वीडियो में जो है ना आपको साइबर की आवाज़ ज़्यादा सुनने को मिलेगी, क्योंकि भाई उसकी आवाज़ है ही इतनी तेज़ मैं कहीं भी कम नहीं कर पाया। अब जैसे ही मैं यहाँ आया, अब मुझे पता था कि वो बंदा आगे टीपी भी ले रहा है, क्लियरली साउंड आ रहे थे। स्टेबल बंदों के लिए भाई वीएसएस बहुत खतरनाक है, कोई लेटा उठा रहे हैं। और सही बताओ ना तो थोड़े से हेडफोन और लगा लेना। अब इसके बाद में जो ये बंदा भाई पीछे भागता है यहाँ से और फाइनली ओ भाई तू है चला रहा है। अब जैसे इसको नॉक करके फिनिश किया और भाई तभी उसके टीममेट आ गए। अब हमारे पास ऐसी गन थी जो कि क्लोज रेंज के लिए तो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया कि सबसे पहले हम थोड़ा सा फॉल बैक लेंगे और उनको मिड रेंज से मारेंगे। और यहाँ पे बंदूक पांच की गांड मारने के लिए। अब फिलहाल जो भी मैंने टीममेट से यहाँ पर म्यूटेंट लिया और उसके बाद में हमने प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि वो जाके कहीं छिप जाए, तो जो है वो भाई ऊपर टावर पर जाके चढ़ जाता है। और भाई फाइनली यहाँ पर मैंने एक रोटेशन दिया, मगर भाई ये रोटेशन मेरे पे भारी। और फाइनली अब पहली बार हमें यहाँ पर प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ती है। अब जैसे ही मैं यहाँ आया, भाई साहब सही में अब प्रेसिडेंट हमारा ऊपर से नीचे उतर के आता है। हमारी गांड खतरे में है, जल्दी आओ। अनएक्सपेक्टेड भाई साफ साफ दिख रहा था, पता बैठा हुआ। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट की जान खतरे में थी इसलिए उसने गोली चलाई। अब फिलहाल जो भी है, अब मैंने राइट से एक रोटेशन दिया। मगर भाई गन के नाम पे ये सही में अभी तक भी कोई ठीक गन नहीं थी। फिलहाल और भाई यहाँ पे जाके सही में अब इसके बाद में जब इन बंदों को मार देते हैं तो जाके एक M4 वगैरह और AKM वगैरह कुछ देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद में जो है एक बंदा पता नहीं क्या कर रहा था, वो ब्रिज कैंप कर रहा था और उसका जो एक टीममेट है ना वो तो यहाँ से भाग ही जाता है। अब फिलहाल जैसे हम लोग यहाँ पर आए, सबसे पहले ये देखो हम ब्रिज वाले बंदे कैसे मारते हैं और जो बंदा यहाँ से भागता है भाई वो कैसे मरता है। अब भाई ये बंदा पता नहीं क्या करने लगा, ये हमारी तरफ ही गाड़ी लेके आने लगा। ओ भाई मारो मारो सब लोग मारो। अब देखो इसके बाद में हम इस बंदे को नॉक करते हैं और जल्दी से क्लोजिंग करते हैं, कहीं ऐसा ना हो इसका कोई टीममेट आ जाए और भाई इसको रिवाइवल दे दे और ये यहाँ पे बच जाए। लेकिन यहाँ पर एक स्मोक हुआ जो कि हमारे टीममेट ने किया था, लेकिन तभी हमको एक और बाइक दिखाई देती है। देख इसको यंतरयामी नाम है इसका। जल्दी है जल्दी है पीछे बंदे, वहाँ बाइक आ गई बाइक। अब सही बताओ ना तो हमको ये बाइक सिर्फ आती हुई दिखाई देती मुझे और प्रेसिडेंट को, लेकिन मेरा जो टीममेट है दूसरा उसको एक बाइक जाती हुई दिखाई दी। फिलहाल जो भी है हम उसे ढूंढने लग गए, लेकिन अब तुम देखो कितना मजा आएगा कि वो बंदा जो है प्रेसिडेंट के पीछे पड़ जाता है साइबर के। और भाई ये इसको मारेगा नहीं, ये बस हमारा इंतजार करेगा कि हम इसको बचाएंगे। अब बस यहाँ पे सुनते रहना। अरे वो धूम 69 लेके भाग रहा है, जल्दी आओ सालो कौन ही उधर ही गिर गया अबे भाई भाई निकल ले जल्दी आओ जल्दी ओ भाई मेरे को मार देगा जल्दी आओ भोजरी वाले। ओ भाई क्या गाड़ी, हाँ क्या गाड़ी भगा रहा है वो 69 की स्पीड में। ओ पीछे, अरे वॉट है बहन का भाई यार स्पॉन हो गया तुरंत। ये नो वाला बॉट है पता है भाई, गाड़ी में फीलिंग नहीं है।
जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ भाई, फ्यूल देख रहे हो? उतर गया ये बंदा, मेरे को मार दे, मारो मारो मुझे प्लीज, मुझे मत मारो। ओ भाई मेरे को फिनिश कर देगा। और भाई फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए। मार्क द लोकेशन। अब भाई यहाँ पर तो हम लोगों ने प्रेसिडेंट को बचा लिया, लेकिन इस मैच में एक ऐसा भी सीन आने वाला है जब भाई प्रेसिडेंट अपनी जान पे खेल के हम दोनों को बचाता है। फिलहाल इसके बाद में इस बंदे को मारने के बाद हम आते हैं पोचिंकी की तरफ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट हमेशा अलग घूमेगा, बंदों को स्पॉट करेगा, बस मारेगा नहीं, मारना हमको ही है, लेकिन वो तब मारेगा जब भाई हमारी जान खतरे में होगी। फिलहाल जैसे ही हम पोचिंकी में आए तो हमें यहाँ पे एक ढांसे खड़ी दिखाई दी। और भाई सही में यहाँ तुम बस रिफ्लेक्स देखना। भाई साहब यहाँ मरते मरते बचे सही में। अब इस बंदे को मारने के बाद में तो प्रेसिडेंट ने हमें बताया कि इस मैप में जहाँ पर तंबू वंबू लगे रहते हैं, जैसे कि न्यू अपडेट आया जब से, वहाँ पर बंदे मिलने की भाई ज़रूर आशंका है। और फाइनली जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ सही में बहुत सारे बंदे थे, लेकिन तुम बस यहाँ की फाइट देखना और बताना कि यहाँ आप लोगों को लगा कैसा। तो जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आए भाई, प्रेसिडेंट की जान फिर से खतरे में। मेरे साइड पर जल्दी, ओ भाई मेरे को मार, एक बंदा ना, ओ भाई ये मेरे को मार रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मार्क लोकेशन, बहुत लो कर दिया इसने मेरे को। अब इसके बाद मैं क्लोजिंग करता हूँ, लेकिन तभी देखना एक फायर कहाँ से आता है भाई, बहुत ही क्लोज से, किसी के अंदर है, किसी के अंदर है भाई। और भाई हमने जैसे ही इस वाली टीम को मारा, तभी एक और टीम आ गई। अब सामने एक बंदा था, अब सही बताऊं तो मुझे लगा कहीं वो पहले मेरे से गेंद की पिन ना खींच ले, मैंने उसे बिना कुक किए फेंक दिया। और भाई साहब उस बंदे ने ग्रेनेड फेंका था, लेकिन जो भी मैं यहाँ पे बच गया। और सबसे पहले मैंने फर्स्ट एड लगाई। अब यहाँ पर हमारे पेशेंट जो है वो नॉक हो चुका था। अब सही बताएं तो हमें उसे कैसे भी करके कुछ भी करके बचाना था। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर आया तभी जैसे इस बंदे को नॉक किया, अब भाई इसके बाद बाकी बंदों की तरफ हमने क्लोजिंग कर दिया। और एक बार फिर से भाई हमने यहाँ पर प्रेसिडेंट को बचाया। अब यहाँ की पूरी फाइट बताना कैसी लगी तुम लोगों को सही में, मतलब अच्छी लगी हो ना तो यार एक लाइक तो बनता है, मतलब फॉर मोटिवेशनल पर्पज। और यार मतलब इतनी बार आप लोगों से कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, उसका बस एक ही मकसद होता है, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा लोग जुड़ते हो ना तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, कंटेंट बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। फिलहाल इसके बाद में हम देखिए यहाँ पर आए थे, और यहाँ फाइनली एक ऐसा मोमेंट आता है जब यहाँ फाइट होती है तो भाई प्रेसिडेंट को सही में हम लोगों को बचाना पड़ा। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए तो हमें पता चलता है यहाँ पर दो टीम की आपस में फाइट चल रही है, तो एक बंदा जो है मुझे भाई ओपन में खड़ा हुआ स्पॉट भी हो जाता है। अब जैसे इस बंदे को नॉक किया, और सही बताऊँ ना तो इस बंदे को पूरा ना मारना ही हमारी एक बहुत बड़ी गलती थी। जैसे क्लोजिंग किया अब यार वो जो नॉक वाला बंदा है ना, वो इधर देखो राइट वाले घर में चला गया जो कि मेरे पीछे है अभी, और ये बात हम लोगों को पता नहीं चली। ऊपर बंदे ऊपर छत से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है, ये छत में चढ़ा है, इसको मार्क द लोकेशन, मेरे को देख लिया, मेरे साथ पैक कर दे गए, बाहर से भी आ रहा है यार ये। अब एक बंदा यहां पर इस घर में, इस घर में, तो इस वाले घर में यहीं पे बैठा, यहीं पे ये देख फील कर रहा है, इसको मार देगा, देख मेरे घर में, देख मेरे घर में, इधर जल्दी आओ मेरे को मार दे।
और भाई फाइनली मतलब सही में यहाँ पर दो बंदे थे, एक बंदा तो एम के लेके बैठा था भाई। ये लोग सेक्स करना चाहते हैं। और भाई ये एक ऐसा मोमेंट था जब हमको भाई प्रेसिडेंट ने बचाया। माय गॉड भाई जीरो से बहुत खतरनाक बंदे थे भाई ये लोग, बहुत ज्यादा। मतलब यार यहाँ पर यार एक लाइक तो प्रेसिडेंट के लिए बनता है, मतलब सही में उसने अपना एक काम तो सही से किया। फिलहाल इसके बाद में हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे। अब सही बताऊँ ना तो यहाँ पर एक ड्रॉप गिरा था, अब उस वाली टीम को क्या ही फिनिश किया है। मतलब एक सबसे पहले एक ग्रेनेड मारा और उसके बाद में एक M4 का स्प्रे दिया। मतलब सही में उम्मीद नहीं थी कि ये वाली टीम इतनी जल्दी मर जाएगी। अब लेकिन हम जैसे यहाँ पर आए तो भाई यहाँ पहले से एक फाइट सी चल रही थी। अब क्योंकि ऊपर से भी डीपी चल रही थी इसलिए सबसे पहले हम कवर में आए। और अब बस तुम देखो भाई इनको किस तरीके से मारते हैं। ऊपर से डीपी वाले मार रहे हैं, डीपी वालों को मार, बीटी डीपी वालों को मार। अब जैसे मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ ना एक बंदे का किल आता है, लेकिन अब यार ये बंदे जो है ना ग्रेनेड से बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। दैट्स वाई मतलब ये बहुत ही कम एमएम है और वो भी बहुत जल्दी मर जाते हैं। अब फिलहाल इसके बाद एक बंदा ऊपर से डीपी चला रहा था जिसको कि हमने स्पॉट किया था। अब यहाँ पर मैं कुछ अलग अलग हरकतें कर रहा था, सोचा कि अगर एक गोली से हेड पड़ जाए और वो मर जाए क्योंकि उस बंदे को हमारे टीममेट ने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था। तो फिलहाल हम लोग उस पर अब देखो क्लोजिंग करते हैं और कैसे मारते हैं उसको। मतलब सही में वो बंदा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह पे भाई कैम कर रहा था। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आए तो सबसे पहले बंदे को पेड़ पे स्पॉट कर रहा था, लेकिन तभी देखो मेरे को बंदा कहाँ पे दिखाई देता है भाई साहब, ये मुंह के आगे आके लेटा हुआ था। अब यहाँ पर तुम एक चीज़ देखना, लास्ट में मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर हुआ क्या कि लास्ट में दो बंदे बचते हैं, उनमें से जो एक बंदा है ना उस बंदे ने भाई बहुत ही गंदा डैमेज दिया, लेकिन जो दूसरा बंदा वो उछल रहा था। लेकिन सही बताऊँ तो बचाव के चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला और रिफ्लेक्सेस के चक्कर में भाई वो बंदा इतनी जल्दी मर गया, मतलब सही में। तो जैसे हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तभी हम लोगों को एक ढांसिया दिखाई दी, लेकिन जैसे हम क्लोज गए तो पता चला कि भाई साहब ये तो जोन के बाहर है। और फाइनली जैसे हमने थोड़ा सा और रोटेशन लिया भाई, जैसे हम यहाँ पर आए तभी हम पे एक स्प्रे पड़ा। एंड भाई फाइनली मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर। मतलब लास्ट वाला बंदा उछल रहा था लेकिन बचाव के चक्कर में पता ही नहीं चला। अब आप लोग मुझे ये बताइए आपको ये प्रेसिडेंट चैलेंज कैसा लगा, जिसमें जो वो बंदा है केवल तभी मार रहा था जब हमको सही में उसकी ज़रूरत थी, वरना भाई वो कुछ भी नहीं मार रहा था, मतलब हमने उसे कई बार बचाया था। फिलहाल ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर तो एक भाई सब्सक्राइब तो बनता है यार। एंड जिन लोगों ने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो हर बार की तरह कहूँगा भाई जाके कर लेना, वहाँ पर भी एक्टिव रहता हूँ, आप लोग बातचीत तो कर सकते हो लेकिन पोस्ट अभी थोड़ी सी कम आ रही है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।